तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अपने वीडियो में हम बताए थे कि उत्कर्ष का जो है एक एक अपडेट, जो नया नया अपडेट आता रहेगा उसके अनुसार से आप लोग के बीच में वीडियो के माध्यम से मैं पहुँचाता रहूँगा कि कौन सा अपडेट कब है और कब आने वाला है। इसके बारे में टोटल जानकारी, जॉब से रिलेटेड उत्कर्ष का एक एक पॉइंट का जानकारी आप लोगों के बीच, जो आप लोग के उपयोगी है, जो आप लोग के लायक है, वो मैं पहुंचाता रहूँगा। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में और रेगुलर डिपॉजिट के बारे में। एफडी, आरडी दो प्रकार का होता है, एक आरडी होता है, एक एफडी होता है, एक आरडी होता है। दोनों हर बैंक सुविधा देता है, छोटा हो या बड़ा हो हर बैंक सुविधा देता है उसमें आरडी कराने के लिए और एफडी कराने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि मैं जो हम लोग जो पैसा उसको जमा करते हैं उसको उसका ब्याज जोड़ करके हमको बैंक पैसा देती है। जैसे आप लोग पैसा ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं आपसे और उस पैसा का ऋण देना पड़ रहा है, वैसा ही आप जो अगर बैंक का पैसा दे रहे हैं तो बैंक आपको ऋण जोड़ करके देती है। तो कितना देती है और क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे उसमें जमा करते हैं, तो दोस्तों जान लें कि फिक्स डिपॉजिट जो होता है, हम बात करेंगे पहले फिक्स डिपॉजिट का। फिक्स डिपॉजिट का पहले उत्कर्ष बैंक में था 7.25%। ये जो बैंक है पहले से बड़ा तो है ही, लेकिन इसमें जो बेनिफिट्स है उसमें लगातार बढ़ोतरी होते जा रही है और जैसे जैसे इसका ब्रांच बढ़ते जा रहा है, अदर स्टेट में तो है ही, यूपी में सबसे ज़्यादा है इसका और बिहार में भी सबसे ज़्यादा है। बिहार में जो है धीरे 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 करके इसका ब्रांचेज बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें जो था फिक्स डिपॉजिट था 7.25% था, अभी बढ़ा करके बीच में का किया था उसको 7.8% 7.5% किया था, 7.75% किया था। और अभी फ़िलहाल में कुछ दिन पहले, मात्र एक डेढ़ महीने की बात कर रहा हूँ, डेढ़ से दो महीना पहले की बात बता रहा हूँ कि इसमें जो फिक्स डिपॉजिट का था उसमें 8% हो गया था, 25% 0.25% इसमें बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल में फिर इसको भी बढ़ा करके 8.75% कर दिया डायरेक्ट, तो काफ़ी बड़ी बात है इसमें उत्कर्ष के लिए। और उत्कर्ष के जो यूजर हैं, उत्कर्ष में जो अकाउंट ओपन कराए हैं या फिर आरडी कराना चाहते हैं या एफडी कराना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। 8.75% कर दिया है, आगे चल करके उसमें बढ़ा भी सकती है, तो जो बढ़ाएगी उसमें आपको जो फिक्स डिपॉजिट या रेगुलर डिपॉजिट जो कर रहे हैं उसका परसेंटेज आपको, ये नहीं कि आज 8.75% है तो आगे चल करके उस हमको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर इतना पे फिक्स डिपॉजिट करा दिया, आगे चल के उसका परसेंटेज अगर बढ़ जा रहा है तो उसका बेनिफिट्स आपको भी मिलेगा। तो बहुत ही इसका जो सालाना ब्याज होता है उसको जोड़ करके देता है। तो अगर आपके पास कुछ पैसा है उसको सेविंग करना चाहते हैं, उसको सेव करके रखना चाहते हैं और साथ में चाहते हैं कि उसका बेनिफिट्स भी लें और उसका ब्याज भी लें, तो सबसे अच्छा रहेगा कि फिक्स डिपॉजिट करा लें। अगर आपके पास नहीं है, अगर भविष्य में चाहते हैं कि पैसा मेरे पास कोई कुछ इकट्ठा हो जाए, तो आरडी करा सकते हैं, आपके लिए आरडी भी है और रेगुलर हर महीने में उसका ईएमआई के तौर पे जमा करते रहिएगा और उसका 8.75% आपको ब्याज भी मिलता रहेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ही फायदा है उससे। तो और ही जानकारी आप लोग को उत्कर्ष से रिलेटेड देता रहूँगा और सारे जॉब के अपडेट न्यूज़ देता रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आज के लिए जय हिंद।